किसानों की समस्या को लेकर ग्राम सभा दिघुली में भारतीय किसान यूनियन की गई बैठक। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर कोतवाली लालगंज के चौकी बरौंधा अंतर्गत ग्राम पंचायत दिघुली में 4 अक्टूबर 2020 को भारतीय किसान यूनियन की बैठक की गई। वहां पर उपस्थित इंजीनियर बीडी सिंह तहसील अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि 5 मई को किसानों के विरुद्ध 3 अध्यादेश कानून लागू किया गया। इसके बाद अध्यादेश कानून के रूप में सरकार द्वारा तब्दील किया गया। इसके विरोध में भारतीय किसान यूनियन की बैठक की जा रही है। आइए दिखाते हैं पप्पू सिंह कुशवाहा की इस खास रिपोर्ट में। हम प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज चैनल से पप्पू सिंह कुशवाहा। इस समय जो है मैं दिघुली ग्राम सभा में आया हूं। यहां पर जो है भारतीय किसान यूनियन की मीटिंग की जा रही है, जो कि सरकार द्वारा किसानों के विरुद्ध में जो है 3 बिल पास किया गया है, उसका जो है यहां पर जो है भारतीय किसान यूनियन के माध्यम से उसके बारे में जो है विचार रखा जा रहा है। यहाँ पर कुछ पदाधिकारी भारतीय किसान के यूनियन के उपस्थित हैं। हम आपसे जो है इस नियम कानून के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं कि क्यों यहाँ पर मीटिंग की गई है, किस विचारधारा को लेकर के। हमारे बीच जो है तहसील अध्यक्ष श्री बी डी सिंह उपस्थित हैं। हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं। हाँ सर जी, आप अपना परिचय बताइए। सर जी, मैं इंजीनियर बी डी सिंह, तहसील अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। जी सर, जो मीटिंग की जा रही है, क्या उद्देश्य है इसका? भारत सरकार द्वारा जी किसानों के विरोध में 3 अध्यादेश 5 मई को हुए जी, और बाद में ये कानून के रूप में रूपांतरित हो गए, उसके विरोध में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जी 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 जी, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? किसान जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, आप क्या आप संदेश देना चाहते हैं इनको? किसानों को यही संदेश देना चाहते हैं कि सब लोग एकत्रित होकर के जी, इकट्ठा होकर के जी जी हाँ जी, और हम लोग आंदोलन करेंगे जी। आंदोलन से नहीं मानेंगे जेल जाएंगे जी जी जी, जेल से नहीं मानेंगे फिर जेल के अंदर अनशन करेंगे जी जी हाँ, और अंतिम सांस तक जी इस तीनों काले कानूनों का विरोध करेंगे जी जी जी। स्टिल फोटो ले लिया वीडियो। सर जी, हम आपका परिचय लेना चाहते हैं। मैं ब्रजराज सिंह राजू जी, लालगंज ब्लॉक से भारतीय किसान यूनियन का ब्लॉक अध्यक्ष जी। इस समय हम आप लोगों के बीच में किसान यूनियन का प्रचार प्रसार एवं आज खास करके जो आज का माहौल है, जो आज की सरकार है, ये तानाशाह सरकार, निरंकुश सरकार, अभी तक तो सुना था कि ये अंधे होते हैं, इनके कान होता है, कान से सुनते हैं वही करते हैं, लेकिन अब तो लगता है बहरी भी हो गई है जी जी जी। पंजाब में रेल रोका जा रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, पूरे देश भर में हल्ला हो रहा है, लेकिन ये काला कानून ये रातों रात जो है तानाशाही के दम पर, हिटलर शाही के दम पर इन्होंने पास कर दिया, जो किसानों के हित में नहीं है। सर जी, हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं कि जो किसान की फसल धान की तैयार हो रही है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? यही चिंता तो खाई जा रही है हमें, इसीलिए तो हम इकट्ठा हुए हैं अपने लोगों के बीच में कि क्या करें। सरकार ये काला कानून लेकर के आ गया है, एक तरफ कहता है कि मंडी में जाएंगे तो वहाँ जो है व्यापारी को टैक्स देना पड़ेगा, और उसी व्यापारी से कहता है कि जब आप बाहर खरीदेंगे तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है, समानांतर जो है खरीदारी कर दिया है, बताइए हमें कहाँ दाम मिलेगा? मंडी में खरीदार नहीं जाएगा, बाहर हमें दाम नहीं मिलेगा, मनमानी तरीके से व्यापारी खरीदेगा, हम धान लेके कहाँ जाएं? इसी समस्या को लेकर तो हम देश में विरोध कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अपने लोगों को जगाने आ रहे हैं, जिसके क्रम में आज आपसे मुलाकात हो रही है। जी, जानकारी देने के धन्यवाद। हम सर जी आपसे जानना चाहते हैं, आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम प्रेम प्रकाश मिश्रा है जी जी, मैं किसान हूँ जी, और इस 3 जो है बिल आया है जी जी, इसके खिलाफ में हम लोग हैं, और मैं अपने किसान भाइयों को जो है जगाना चाहता हूँ कि आप लोग जागिए और अपने हक की लड़ाई के लिए कंधे से कंधा मिला करके हमारे किसान यूनियन का साथ दीजिए, और कंधा से कंधा मिलाइए, नहीं तो ये काला कानून आप लोगों को और आने वाली पीढ़ियों को निस्त नाबूद कर देगा। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं किसान भाइयों से कि एकत्रित हों, क्योंकि आने वाली फसल है और कोई सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि SDM स्तर का जो है इसमें अधिकारी रखा गया है, 3 जो बिल बना हुआ है जी जी जी। न तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, न तो आप सुप्रीम कोर्ट को जा सकते हैं, तो उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ जो है कहोगा, और उन्हीं के शासन के ही वो अधिकारी हैं, हमारी बात कहाँ सुनेंगे? इसलिए हम चाहते हैं कि सब एकत्रित हों
और पूरे जोर शोर से सरकार को ये जो है हिला के दिखा दें कि हम क्या हैं। सर जी, मैं अब आपसे जानना चाहता हूँ कि आप इसके पहले कहे कि मैं किसान हूँ, क्या आप भारतीय किसान यूनियन का साथ देंगे तो क्या आपको इससे लाभ हो सकता है? बिल्कुल लाभ होगा, क्योंकि संगठन है, संगठन हमारा जो है पूरे भारत में है। मान लीजिए यहाँ भी हम लोग थोड़ा अभी हमारे क्षेत्र पछड़ा हुआ है, अभी जानकारी उस ढंग से नहीं है। प्रचार प्रसार माध्यम से किसानों से मिल करके हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे, सशक्त करेंगे, और चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा किसान जुड़े, और जुड़ेंगे तभी हमारा लाभ है इसमें। इसका मतलब कहना है कि अगर भारतीय किसान यूनियन का साथ देंगे तो हमारा जो है जो काला कानून है उसको वापस हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि भाई हमारे पूरे देश में है और हर जगह हमारी जो है किसान यूनियन जो है विरोध कर रहा है, जब तक हम संगठित नहीं होंगे हमारी आवाज नहीं सुनी जाएगी। चलिए, जानकारी देने का धन्यवाद। रुकिए, योगेश्वर चंद्रिका सरदार पटेल महाविद्यालय का प्रबंधक हूँ, साथ साथ किसान भी हूँ, किसानों के जागरूक करता हूँ। जी जी, तो सर आप क्या कहना चाहते हैं किसान यूनियन के बारे में? किसान का चिन्ह बिल आया है जी, यह किसान विरोधी कानून है और इस काले कानून का हम लोग विरोध करना चाहते हैं, और जब तक काला कानून वापस नहीं होगा तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। जी, जानकारी देने का धन्यवाद। सर भैया, आपका परिचय? मैं दिलीप सिंह पटेल जी, मैं एक किसान हूँ, एक किसान का बेटा भी हूँ, और आज दिघुली में भारतीय किसान यूनियन की मीटिंग हुई है जी, और उसमें मेरा मुख्य एजेंडा रहा है जो भारत सरकार ने अभी 3 बिल पास किए हैं उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और सब जब तक हम सभी किसान एकजुट नहीं होंगे तब तक हम काला कानून का विरोध नहीं कर पाएंगे, उसी के लिए हम लोग यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं। काला कानून का हम लोग जब तक ये भारत सरकार जब तक काला कानून वापस नहीं ले लेगी तब सब तक सभी भारतीय किसान यूनियन उनका विरोध करेगी। भारतीय जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अंत संटिका अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, अंत संटिका अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, नरेश के जिंदाबाद, जिंदाबाद नरेश, नरेश के जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेश के जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रयाग एक्सप्रेस से पप्पू सिंह कुशवाहा, श्याम बिहारी, कैमरामैन की खास रिपोर्ट।